हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में अगर आपको पहले जीरो लगाना है, जैसे मान लीजिए यहां पर 45 लिखा, 45 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर अगर मैं 67 लिखता हूं, नो प्रॉब्लम आ जाएगा। 100 भी लिखना चाहता हूं तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पे 02 लिखना चाहता हूं तो क्या जीरो भी लग के आएगा? जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं जीरो गायब हो जाता है। तो ये जीरो लग के कैसे आएगा ये हमें समझना है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। यहां पर वो तरीका बताता हूं जिससे आप जीरो लगा करके लिख सकते हो। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी अभी ये सवाल किया है, तो चलिए ये समझते हैं इसमें करना क्या है। फॉर्मेट सेल्स पे चले जाइए। जैसे ही फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है ना, इसको बना दीजिए टेक्स्ट। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एज योर विश। यहां पर आपको ये देखिए जनरल दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, और यहां पे आएगा टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और बस ओके कर देना। ध्यान रहे कि वो सेक्शन सेलेक्ट होना चाहिए जहां जहां आप जीरो लेके आना चाहते हैं। मैंने केवल इसी को सेलेक्ट किया है, C5 को सेलेक्ट किया है, तो मैं केवल C5 में ही जीरो ऐड कर पाऊंगा नंबर, किसी भी नंबर के पहले। तो यहां से ओके कर देता हूं। और अब मैं अगर यहां पे 01 लिखता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे 01 आ गया, लेकिन यहां पर एक हरी लाइन बन के आ रही है ऊपर, देख सकते हैं ये। इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन अगर यहीं पर यहां पर मैं 01 लिखने की कोशिश करता हूं तो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसे सिलेक्शन में ही ले लिया था। ठीक है, अब अगर मैं इतना पार्ट सिलेक्शन में लेकर के और फिर कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूं तो ये ओपन होगा, और यहां से आप इसको टेक्स्ट बना दीजिए। तो जब टेक्स्ट बना देंगे तब फिर आप 0 ऐड कर पाएंगे। तो यहां पर आप 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 10 लिखिए, 20 लिखिए, जितना चाहे उतना 0 लिखिए, आप एज योर विश। लेकिन ये हरी लाइन बनकर के आपके सामने आएगी। तो ये वो तरीका है जिससे आप किसी भी नंबर के पहले 0 ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।